हाय एवरीवन, वेलकम टू गेट सीएस कोचिंग। तो दोस्तों, एनटीपीसी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर द ईयर 2022। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने बीबीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, माइनिंग में अगर आपने बीबीटेक किया हुआ है या फिर इसके इक्विवेलेंट में अगर आपने बीबीटेक किया हुआ है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। थ्रू गेट 2022 के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पर आपको रिक्रूट किया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाला है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिस के पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाला है। अगर मैं बात करूँ उसकी वैकेंसीज के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज बांटी दी गई है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर 280 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 360 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पर 164 वैकेंसीज है, और सिविल और माइनिंग के लिए यहाँ पर 30-30 वैकेंसीज है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसकी वैकेंसीज चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने फुल टाइम बीबीटेक किया हुआ है मिनिमम 65% मार्क्स के साथ, तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हो तो 55% मार्क्स होने से भी चल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने गेट 2022 का एग्जाम दिया हुआ है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो आप यहाँ से इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ब्रांच वाइज यहाँ पर कई सारे इक्विवेलेंट ब्रांचेस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर सिस्टम, पावर इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी कई सारे इक्विवेलेंट ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी ब्रांच वाइज यहाँ पर कई सारे इक्विवेलेंट ब्रांचेस यहाँ पर दी गई है, तो ये सब कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ उसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ पर गेट 2022 के स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। शॉर्टलिस्टेड होने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका यहाँ पर परमानेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ उसकी एज लिमिट के बारे में, तो जो आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 27 ईयर्स तक होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर मैं बात करूँ उसकी सैलरी के बारे में, तो जो इसकी सैलरी है वो बहुत ही अच्छी है। आपको यहाँ पर 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे मिलने वाली है। साथ ही साथ आपको कई सारे अलाउंसेस भी मिलने वाली है, जैसे कि DA वगैरह, HRA, टर्मिनल बेनिफिट्स, तो ये सब अलाउंसेस है, तो ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी सैलरी चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इसकी जॉब लोकेशन के बारे में, तो सबसे पहले अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। तो अगर आपने एक साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हो तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी जॉब लोकेशन चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से पेपर अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपने गेट 2022 का एग्ज़ाम दिया हुआ था इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर सिविल माइनिंग में अगर आपने गेट 2022 का एग्ज़ाम दिया हुआ था, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर पेपर वाइज पेपर कोड भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है। ठीक है, अगर आपको इस कंपनी में कम से कम 3 साल तक काम करना पड़ेगा। अगर आप 3 साल तक काम नहीं करते या फिर उससे पहले छोड़ देते हो, तो आपको यहाँ पर बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी बॉन्ड अमाउंट चेक कर सकते हो। तो कैसे अप्लाई करना है, तो दोस्तों आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही अप्लाई करना है। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, तो मैं इसका अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ उसकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो जो कैंडिडेट जनरल या फिर EWS OBC कैंडिडेट है, तो उनको यहाँ पर 300 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स है, उनको कोई सा भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, यानी वो लोग फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी एप्लीकेशन फ़ीस चेकआउट कर सकते हो। आप यहाँ पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड से भी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही आपको यहाँ पर पेमेंट करना है। अगर मैं बात करूँ इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो 28 अक्टूबर 2022 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो चुका है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 11 नवंबर 2022 रहने वाला है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाकर नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हो।
तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो लास्ट तक वीडियो देख रहे थे, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों।